मेरे साथ जो बैठे हैं मेरे साथ डीएस शुक्ला है, इज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया एलआईसी एजेंट्स फेडरेशन और किस प्रकार से मोदी जी की सरकार ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को तबाह कर निजी हाथों में सौंपने का जो प्रयास किया है उसका एक उज्ज्वलंत उदाहरण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एलआईसी का गठन किया था जिसकी पूंजी केवल 5 करोड़ रुपए थी शुरुआत, और उसके बाद करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स बने और लाखों करोड़ की पूंजी एलआईसी ने कमाई और पॉलिसी होल्डर्स को लाखों एजेंट्स हैं। एजेंट्स कितने होंगे सर? 11.5 लाख होंगे। एजेंट्स 11.5 लाख, 25 लाख कम होगा। 25 लाख कम होने के बाद 11.5 लाख, लगभग 37 से 40 लाख एजेंट्स पूरे देश में थे और इन 5 वर्षों में 25 लाख एलआईसी एजेंट्स ने काम बंद कर दिया, यानी कि 25 लाख लोग बेरोजगार हो गए। अधिकांश जो बड़े एलआईसी एजेंट्स हैं उनको क्लब सदस्यों की श्रेणी में लिया जाता है, जिसमें 2,67,000 क्लब एजेंट्स हैं, उसमें से भी 1 लाख कम हो गए। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 में 1,50,000 करोड़ लोन दिलवाया रेलवे को, जिसमें कि 1% जो है वो 2020 के बाद शुरू होगा, यानी कि 2015 से और 20 तक एलआईसी ने जो 1.5 लाख करोड़ रेलवे को दिया है उस पर एलआईसी पॉलिसी होल्डर को कोई ब्याज नहीं मिलेगा। यह अपने आप में चिंतनीय विषय है। आईडीबीआई बैंक, जिसका 24% एनपीए है, 24%, उसको बेल आउट करने के लिए एलआईसी ने मजबूर किया कि आईडीबीआई का 51% शेयर खरीदे। जब 51% हो जाता है तो स्वाभाविक है कि मैनेजमेंट एलआईसी को जाना चाहिए, लेकिन उन मोदी सरकार ने कहा नहीं, ये एलआईसी को नहीं जाएगा, मैनेजमेंट आईडीबीआई पे रहेगा। और 5 साल में ये एलआईसी अपने शेयर घटाकर 15% ले आएंगे, जबकि केंद्र सरकार का ही नियम है कि एलआईसी किसी भी संस्था में 15% से ज्यादा शेयर नहीं खरीदती है। उसका उल्लंघन करते हुए उन्होंने 51% खरीदवाया।
इसी के साथ साथ अनेक ऐसी कंपनियां हैं जिनमें दबाव डालकर LIC से इन्वेस्टमेंट कराया और ये स्थिति ऐसी बन गई है कि LIC जो नवरत्न कंपनी हुआ करती थी हमारी, वहां आज थोड़े दिनों में LIC का स्वरूप क्या होगा ये अपने आप में चिंता का विषय है। इसी प्रकार मैं पॉलिसी होल्डर हूं, यदि मेरी पॉलिसी पर मुझे लोन लेना है तो मुझे 10% ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन वहीं LIC अगर सरकार को लोन देती है तो वहां केवल 5.09% लोन लिया जाएगा, यानी कि सारी पॉलिसी इनकी पॉलिसी होल्डर के खिलाफ है, एजेंट्स के खिलाफ है और LIC जो हमारी एक इनकम जनरेटिंग और प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है उसको ये इस हालात में ले आएंगे जिस हालात में BSNL पहुंच चुका है। BSNL के लगभग 45,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाना है, BHEL 22,000 कर्मचारी हुआ करते थे, आज केवल 6,500 एम्प्लॉइज हैं BHEL में। सारा प्रोडक्शन प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है और धीरे धीरे ये PSUs को ये बंद करेंगे और ये हालत भी हो सकती है कि जिस तरह से राफेल का उन्होंने HAL से काम छीनकर प्राइवेट कंपनी को दे दिया, उसी प्रकार BHEL जो कि विदेशों में टर्बाइन्स इनकी मानी जाती थी, आज विदेशों से टर्बाइन्स इंपोर्ट की जा रही है और BHEL को काम नहीं मिल पा रहा है। गुजरात पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो कि गुजरात राज्य की PSU है, उस पर 20,000 करोड़ का कर्जा जो कभी पटना नहीं था, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में ऑफशोर ड्रिलिंग में गैस उत्पादन के गलत आंकड़े देकर लोगों को मूर्ख बनाया, गैस निकला नहीं और उनका सारा इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया है।